क्राइम रिपोर्ट में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर हाईवे पर हुए उस एक्सीडेंट की, जिसमें बॉडी को ले जा रही पुलिस को हुआ शक। ब्लाइंड मर्डर, पहले मृतक की शिनाख्त की गई, उसके बाद सनसनीखेज खुलासा, पत्नी ही निकली मास्टरमाइंड। कोतवाली इलाका निवासी संजय पत्नी रेशमा को प्रेमी से मिलने से करता था इनकार, लिहाजा उसने बड़े ही शातिराना तरीके से उसे रास्ते से हटा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि हर अपराधी छोड़ता है कोई सुराग, जो काफी होता है उसे सीकचों के पीछे पहुंचाने में। इस मामले में आखिर कौन सा था वो सबूत? शाहजहांपुर से क्राइम रिपोर्ट के लिए एलके मिश्रा की एक्सक्लूसिव पड़ताल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में रोंगटे खड़ी करती वारदात। अवैध संबंध में बाधक बन रहे पति की उसकी पत्नी ने कराई हत्या। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। पत्नी ने प्रेमी से कराई थी कांशीराम कॉलोनी के संजय की हत्या। प्रेमी से मिलने पर करता था विरोध, तो पत्नी ने ही पति को मरवा दिया। यूपी में शाहजहांपुर हाईवे पर एक्सीडेंट का दिया रूप। शाहजहांपुर में कांशीराम कॉलोनी के युवक संजय उर्फ कल्लू की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी से करवाई थी। चौक कोतवाली पुलिस वारदात का खुलासा करते हुए हत्यारी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। 4 दिसंबर की रात चौक कोतवाली इलाके की कांशीराम कॉलोनी निवासी संजय उर्फ कल्लू की लाश बोलेरो में मिली थी। उसकी पत्नी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। संजय प्राइवेट गाड़ी चलाता था जो राजकीय मेडिकल कॉलेज में किराए पर चल रही थी। पत्नी ने बताया कि रात करीब 11 बजे पति संजय के मोबाइल पर किसी का फोन आया, जिसके बाद वो घर से निकल गया था। पुलिस को मोबाइल की कॉल डिटेल और छानबीन के दौरान संजय की पत्नी और सचिन के अवैध संबंध होने की जानकारी मिली। मामले में सबूत जुटाने पर संजय की हत्या उसकी पत्नी द्वारा शहर के अजीजगंज मोहल्ला निवासी सचिन से कराए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस का शक उस समय गहरा गया जब वारदात वाली रात के बाद से ही सचिन अपने घर से फरार था। 9 दिसंबर की रात करीब 2 बजे पुलिस टीम ने चांदपुर तिराहे से सचिन को गिरफ्तार करते हुए हत्या में इस्तेमाल तमंचा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। पूछताछ के बाद संजय की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों ने वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली है। इतनी मोहम्मद नहीं करी, बोले बाबू कुंडी लगाई ले, कोई कुंडी खोला खटखटाए, कुंडी मत खोलियो बात। अच्छा, इतनी बात वही चले गए। अच्छा, आपके पति कितनी देर पहले घर में आए थे? अरे बस आते में खाना खा हमने लोगन, जब बुकिंग छोड़ के आए। कई बजे फोन आया था, कुछ आइडिया है? इतनी आइडिया नहीं सर, आपको क्या लगता कोई दुश्मनी है? कोई दुश्मनी की बात नहीं थी। अच्छा, किसका फोन आया ये बताया था? नहीं बताया था। नहीं, बस काम लगो के भैया आग लग गई, बस आ रहे हैं, बस इतनी कही के बाबू कुंडी लगाई लो तो हम जल्दी आ जाए। संजय ने दूसरे धर्म की युवती से किया था विवाह। 2 महीने पहले तक संजय की कॉलोनी में रहता था सचिन। पड़ोस में रहने से संजय की पत्नी से बढ़ी नजदीकियां। सचिन ने पत्नी और संजय को देख लिया था आपत्तिजनक हालात में। दोनों में हुआ था झगड़ा। संजय ने तोड़ दिया था पत्नी का मोबाइल। प्रेमी सचिन ने दिलाया था नया मोबाइल। दोनों की होती थी बातें। पति की हत्या के बाद पत्नी और प्रेमी करना चाहते थे शादी।
वारदात के बाद पत्नी ने बताया कि किसी का फोन आने के बाद संजय घर से निकला था। बस उसकी यही गलती पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बन गई। पुलिस ने संजय के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली, जिसमें आखिरी बार संजय और उसके दोस्त गुड्डू की बात हुई थी। गुड्डू से पूछताछ में संजय के नजदीकी और घर आने जाने वालों के बारे में पता चला तो सामने आया सचिन का नाम। कॉल डिटेल के जरिए सचिन और संजय की पत्नी के आपस में बातचीत करने का राज खुला। पड़ताल में यह भी सामने आया कि संजय ने दूसरे धर्म की युवती से प्रेम विवाह किया था। करीब 2 महीने पहले तक हत्या का आरोपी सचिन कांशीराम कॉलोनी में उसी ब्लॉक में रहता था जिसमें संजय का घर है। घर आने जाने से सचिन और संजय की पत्नी की नजदीकियां बढ़ गईं। करीब 2 महीने पहले संजय ने अपनी पत्नी और सचिन को एक कमरे में देख लिया था। झगड़ा होने पर संजय की पत्नी मायके चली गई थी, हालांकि बाद में उसे संजय बुला कर ले आया था। झगड़ा होने पर संजय ने पत्नी का मोबाइल तोड़ दिया था, लेकिन उसे सचिन ने दूसरा मोबाइल दे दिया था जिस पर दोनों की बातें होती थी। हत्या के आरोपी सचिन और संजय की पत्नी आपस में इस वारदात के बाद शादी करना चाहते थे। पूछताछ जब की गई तो उसने बिल्कुल इस घटना को किए जाने के की स्वीकारोक्ति की और उसने यह कहा कि इस महिला से उसके संबंध थे, जो मृतक है उसकी पत्नी से, और बार बार वह उकसाती थी, वह इससे विवाह करना चाहती थी और यह लड़का भी विवाह करना चाहता था, लेकिन उसकी शर्त उसने यह रखी थी कि जब इसको रास्ते से हटा दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। तो इसीलिए ये लड़का लगा हुआ था लगातार सचिन, और उस दिन भी इनके कब्जे से जो मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं उनकी कॉल डिटेल से भी यह बात मैच करती है। तो उस दिन भी इस महिला ने उसको फ़ोन से बताया कि यह घर से निकल चुका है। तत्काल वो भी अपने घर से निकला, मोटरसाइकिल से आया और वहाँ पहुँचकर उसने उसको गोली मार दी। जब उसको देखा तो गाड़ी रोक ली मृतक ने, जो संजय था उसने गाड़ी रोकी। जब उसने शीशा डाउन किया तो इसने वहीं से 315 बोर के कट्टे से उस पर फायर कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस को गुमराह करना पड़ा, हत्यारी पत्नी को भारी। पुलिस को बताई थी पति के फोन आने पर बाहर जाने की बात। पुलिस ने खंगाली कॉल डिटेल तो खुलते चले गए कई राज। रोजाना काशीराम कॉलोनी में आता था सचिन। हत्या वाली रात भी संजय की पत्नी ने फोन कर प्रेमी को दी पति के बाहर जाने की जानकारी। उस वक्त काशीराम कॉलोनी में मौजूद था हत्यारा। बातचीत के बहाने गाड़ी रुकवाई। संजय के शीशा खोलते ही सिर से सटाकर मारी गोली। हत्या का आरोपी सचिन लगभग रोजाना कांशीराम कॉलोनी जाता था। वारदात वाली रात भी संजय के घर से निकलने पर उसकी पत्नी ने फोन कर सचिन को बताया। वो उस वक्त कांशीराम कॉलोनी में मौजूद था। उसने तेजी से संजय की गाड़ी को ओवरटेक किया, इसके बाद गोल चक्कर से पीछे मुड़कर आया और बातचीत करने के बहाने संजय की गाड़ी रुकवाई। संजय ने जैसे ही गाड़ी का शीशा नीचे किया, उसके सिर से सटाकर सचिन ने